हरे बोल हरे हरे बोल। छतरपुर गई सी इन्हां दा उत्थे मंदिर आ बड़ा मंदिर उत्थे मैं गई सी फिर जिदा मेरा मैरिज हो गई है ना उस तो बाद मैनूं इन्हां दे सपने आन लग गए इदा कि तू मंदिर आ इदा फिर मेरे मन विच होया मैनूं पता लगा कि इन्हां दा जिन्हां दी इन्हां दी समाधि वा उधर दुगड़ी फिर मैं इन्होंने दुगड़ी भी आश्रम गई फिर इन्होंने मैंने मैसेज आया फेसबुक के थ्रू ही जिदा इन्होंने मैं पेज भाजी लाइक किया हो तो उन्होंने मैंने कहा कि तुम ना अपना अपने घर स्वरूप रखो मेरा गुरु जी ने मैनू मतलब कि कहा फिर मैं इन्होंने स्वरूप लेके आई फिर मेरा बेटा रोज़ स्कूल जाता सी आप रोज़ पूजा पाठ करते मेरे बेटे ने रोज़ कहना कि मम्मा साढ़े घर तक कभी शायद वर्षा होंगी नहीं है ना क्यों नहीं होंगी इन्हें रोज़ डेली कह के जाना तो कल माँ लक्ष्मी का वर्त से मैं वर्त भी रखा है तो फिर जो मैं देखा साड़ी मेड ने देखा कि दीवार तो इदा कुछ आ रहा है फिर मैं देखा उदो शायद वर्षा हो रही थी सारा दिन कल शायद वर्षा होंगी थी है ना तो अज भी मैं सवेरे उठी मैं नहाती है ना पूजा पाठ कर लगी मैं क्या मैं ना पहले फोटो साफ कर दी हाँ फोटो साफ कर मतलब कि की मैं फिर मैं मार्केट गई मैं क्या मैं अपने हसबैंड को कहा मैं फ्लावरस लेके आई मेरे नाल जो मैं फ्लावरस लेके आई तो देखा तो फिर मतलब कि दीवार दे विचों शुरू हो गई वर्षा गुरु जी दे फिर साड़ी मम्मी दे आई सच बहुत ज़्यादा हो रही सी बहुत ज़्यादा फिर उन्होंने सारा आपा शायद इकट्ठा किया ये तुहाडे सामने भी हुण भी होई जांदी है जिद्दां ते मैडम गुरु जी कौन है कि जगह दे हो कि उन्हां दा नाम वगैरह गुरु जी जिद्दां है ना मतलब कि जिद्दां सानू किसी ने दस्या दुगड़ी दे ही है जिद्दां जिद्दां मैं पहले ट्रस्ट नहीं करती सी है ना भाजी जिद्दां मैनूं मैं किन्नी विशेष मंगी उन्होंने मेरी हर विश पूरी की है ना फिर मेरे मन में अपने आप ही होया कि मैं दुगड़ी जाके आवा मैं पता नहीं कि दुगड़ी उन्होंने समाधि वा फिर मैं दुगड़ी भी जाके आई मैम शाम के 7 बज चुके किन्ने घंटे हो गए लगातार ये भाजी सवेर दो ही होंदा पिया आ 10 बजे तो मतलब कि रात मतलब पूरी रात भी होंदा पिया सी हल्का हल्का पर सवेर दो जो मैं पूजा पाठ की उस तो बाद ज्यादा ही होने लग गया की लगता थोनू बस गुरु जी की कृपा आ दर्शन उन्होंने होंगे पे आ जिस तरह तुसीं गल कीती है कि पूजा पाठ करन लगी कल मैं फोटो बिल्कुल साफ कीती है अज साफ कीती है कि साफ करन तो बाद दोबारा फिर से हां जी हां जी फिर दोबारा शुरू हो गई सी उन्हां दी अमृत वर्षा हो रही सी तो जो दीवार ते आ ओ भी अपने आप ही पाजी शुरू हो रही सी दीवार ते भी लगातार जा रही है हां जी हां जी तुसीं हुण भी देखो हुण भी हुंदी पई वा अपने आप ही अलग अलग पहले कल नहीं सी हुण गणेश जी दे उपरों भी हो रही है हुण शिवलिंग दे उपरों भी हो रही है अपने आप ही हो रही है सर की नाम तुहाडा जी मेरा नाम वीर प्रकाश कुंद्रा कुंद्रा जी की मामला तुसी आज शालीमार बाग एक कोठी दे विच आए की करिश्मा इत्थे इत्थे गुरु जी अपने दुगरी वाले उन्हां दे सरूप दे विचों शहद की वर्षा हो रही है ये कदों ते हो रही है ते तुहानू किवें पता लगा है ये सानू अज पता लगा ते साडे नाल आ जिदा मेरी वाइफ दे नूने आ उन्हां नूं जिदा फोन दे विच आया उन्हां दी वीडियो आई भई इदां दा गुरु जी दे सरूप दे विचों वर्षा हो रही आ तां साडी भी जिदा श्रद्धा पूरी आ गुरु जी दे विच असीं भी देखदे हां अक्सर उन्हां दा फेसबुक दे उत्ते तकरीबन आउंदी आ ते तां फिर असीं भी देखणा है जिदा जिस तरह असीं मौके ते देख रहे हां कि दीवार दे विचों शहद निकलिया तां तुहानूं की लग रिहा किवें आ इह कि तुसीं किस एंगल ते देखदे हो इस चीज़ ये बिल्कुल कुदरती आ ये गुरु जी की कृपा आ उन्हां दा प्रसाद आ ये ते ओ जिथे उन्हां दी मेहर होवे उत्थे ही ये हुंदा आ जिथे सच्ची शरदा होवे
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਦੇਖਣ।